लगातार जारी है। और चुरुमाए भी मोटा तो मोटा पर सागे ही नाना नाना टाबर भी रमजान रे पाक महीना माए रोजा रखने खुदारी इबादत कर रहा है। अगर बात करा सरदार शहर री तो अठे तापमान 50 डिग्री छुवन ने तैयार है, पर रोजा रखवा वाला भी इन भीषण गर्मी सुनी घबरा रहा है। इनरो कहनो है कि ओ महीनो बाकी सगड़ा महीना सु पाक महीनो है, अचाहे कितनी भी गर्मी पड़े पर वहां देश री सलामती और देश माए अमन और चैन सारू रोजा रख लिया है। रोजदारा रो मानो है कि इन महीना माए दान पुण्य करवासु भी खुदारी रहमत बरसे है और खुदा सी मांग्योड़ी दुआ भी जरूर कबूल होवे है। बटे ही रोजा राख रिया लोगा सु खास बातचीत की नी संवाददाता गजेंद्र सिंह चौहान ने। इस्लाम धर्म ने जिका मानना है रबा के लिए रमजान को महीनो है जिको काफी पवित्र हो गए और काफी महत्व हो गए। इस महीना का महीना लोग जिका है तरह तरह सु खुदा ने खुश करने खातर अल्लाह ने खुश करने खातर दान करे रोजा रखे और भी बहुत सारा प्रयत्न करे। लेकिन चूरू जिले का महीना 50 डिग्री तापमान छून जा रही है, बिका बावजूद भी जिका छोटा बच्चा है बड़ा लोग है वे रोजो रख करके खुदा ने खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खुदा खुश हो गए तो देश के मन अमन चैन मिल सके और रहमता बरस सके। कुछ लोग हमारे साथ हम बात करा या 50 डिग्री छून जा रहे हो तापमान के बावजूद भी छोटा बच्चा है बड़ा लोग है वे जिका है वे रोजो रख रखे हो क्या कहना सारे पर चूरू जिले को जो तापमान है वो है 47 डिग्री 50 डिग्री कभी 50 डिग्री तापमान हो रही है। और जिका लोगों का ईमान मजबूत है भी लोग रमजान का महीने चाहे 50 डिग्री जो चाहे 55 डिग्री जो चाहे 40 डिग्री जो तापमान भी रोजा रख आ रहे हैं और राख सी रोजा क्योंकि हिंदुस्तान का महीने अठे अमन चैन के लिए दुआ भी रमजान के महीने में करी जावे और गरीबा के लिए भी दुआ करी जावे और कोई बीमार आदमी हो भी के लिए भी दुआ करी जावे कि भाई रमजान के महीने में हर आदमी ने शिफा मिले। और रमजान में जो जकात को जो सिस्टम है जकात के अंदर 1 लाख रुपये का तो 2500 रुपया गरीबा को हक है वो ठीक है। प्रत्येक मुसलमान भाई है तो वो जकात निकाल रहे हैं और निकाल तो आ रहे हैं और गरीबा को हक भी गरीबा ने दे तो आ रहे हैं। और आप लोग देखोगा अभी पूरे मोहल्ले के अंदर अगर आप सर्वे करोगा तो भी सर्वे में आपने मिलेगा कि जो ढाई प्रत्येक घर के अंदर गरीब लोग जा रहे हैं बाकी लोगों में दान पुण्य करे जा रहे हैं लोगों ने ताकि तो दान पुण्य का भी अलग महत्व है रमजान का महीने रमजान का महीने दान पुण्य महत्व है कि 1 रुपये अगर आप रमजान में दे रहे हैं तो 70 रुपये आप रमजान का महीने भी को बेनिफिट मिले बैंक प्रॉफिट मिले भी को। कुछ छोटा बच्चा है वो भी बात करा आपको क्या नाम है आपको? मेरा नाम रेहान है। तो आप भी रोजा रखो? हाँ। क्यों रखो रोजा आप? अल्लाह अल्लाह का वास्ते रोजा रखो। अल्लाह और कैसे देते हो आप? मैं रोजा रखा और दुआ करा कि हिंदुस्तान में खुशी और इबादत रहे खुद हिंदुस्तान का मायने खुशी रहे इबादत रहे भाईचारा रहे और यहाँ को मानू में कहती रोजा में राशिया तो अल्लाह खुश होती और अल्लाह की रहमत बरसी देश का मायने न सिर्फ हिंदुस्तान का मायने बल्कि पूरा विश्व का मायने जिसका लोग है वह खुदा खुश करने खातर और रमजान का महीना में खास तौर पर रोजा रखे और खुदा ने खुश करने खातर अलग अलग प्रकार से बहुत सारा और भी काम करे नेक काम करे। खुद बच्चा भी बहुत बात करा आपको क्या नाम है? तस्लीम। आप रोजा रखो ये खुश करना चाहो? मैं खुदा ने खुश करने खाते रोजा रखे देखो आप रोजा चाह रहे हैं तो क्या कुछ दिन से रहने का मायने दिन से रहेंगे मैं 3:30 बजे समथिंग बच्चा लोग है जी का सो भी परिवार का तो रोजा रखना रहो 3:30 बजे उठे फिर बाद में 4:03 को भी टाइम चल रहा है 4:03 तक शेरी खत्म हो जाए फिर बाद में 10 मिनट बाद में नमाज हो नमाज पढ़ी जाए फिर बाद बच्चा सो जाए कूलर का महीने सी का महीने गर्मी का महीने सो रहा है बच्चा। और अब थोड़ी बहुत बिजली के अंदर भी दिक्कत आ रही है भी वजह गमछा लगा लगा गए रोजा रोग रख रहे हैं बताऊँ। और दिन का महीने 5 बजे नमाज पढ़ी जाए और दिन कमाने दिन से अंदर का अभी गरीबा ने दान पुण्य भी करी जा रही है और काफी तादाद दान पुण्य करी जा रही है काफी तादाद के मायने दान पुण्य करे जा रहे हैं। दरअसल रमजान को पाक मन संदेश चाहिए देव के देश का मायने जिसको अमन चैन बना रहे और बुराई को नाश हो गए और हमेशा के देश का मायने खुशहाली बनी रहे।